नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, आज हम ऐसे महान स्त्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अर्हत पद प्राप्त किया था। भिक्खुनी बनने वाली वह पहली महिलाओं में से एक थी। बौद्ध धम्म के संघ में महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से बात करके अपने साथ कई और महिलाओं को बौद्ध धम्म में लाया था। बता देता हूँ कि बौद्ध धम्म में प्रवेश करने वाली महिला और कोई नहीं थी बल्कि उनकी मासी या सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी और उन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और अन्य महिलाओं के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर भिक्खुनी बनी थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के सातवें दिन ही उनकी माता महामाया का मृत्यु हो चुका था। बच्चे का पालन पोषण उनकी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। महाप्रजापति गौतमी का जन्म लुम्बिनी वन के नजदीक देवदहन नगर में हुआ था। जब महामाया निर्वाण प्राप्त हुई थी तो प्रजापति गौतमी का भी एक पुत्र था जिसका नाम था नंद। 97 वर्ष की अवस्था में शुद्धोधन की मृत्यु हुई थी। उस समय भगवान बुद्ध वैशाली में थे। पति की मृत्यु के बाद प्रजापति ने संसार छोड़ने की इच्छा प्रकट की थी। इसके लिए वह भगवान बुद्ध से अनुमति लेने का अवसर खोज रही थी और जल्द ही उन्हें वो अवसर मिला। भगवान गौतम बुद्ध कपिल वस्तु आए थे। शाक्य और कोलीय क्षत्रियों के बीच रोहिणी नदी के जल के ऊपर झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े को शांत करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध कपिल वस्तु आए थे। झगड़ा शांत होने पर भगवान गौतम बुद्ध ने कलह विवाद सूत्र का लोगों को उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर एकदम से 500 शाक्य घर के महिलाओं और पुरुषों ने प्रव्रजित होने के मतलब भिक्खु संघ में आने की इच्छा जताई थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से गौतम बुद्ध ने उन 500 घरों से आए स्त्रियों और महाप्रजापति को प्रवर्जित होने की अनुमति नहीं दी और लौटकर वैशाली चले आए। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने तथागत से पूछा, भगवान आपके द्वारा स्त्रियों को संघ में न लेने का कारण क्या है? तब तथागत ने उत्तर दिया, आनंद मुझे गलत मत समझना, मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में सक्षम है। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं है, यह तो व्यावहारिक कारणों पर आधारित है। आगे गौतम बुद्ध आनंद से यह भी कहते हैं, अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना ही आग्रह है तो मैं उन्हें भिक्खु संघ में शामिल करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन इसके लिए उन्हें 8 शर्तें माननी होगी। इन 8 नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए महाप्रजापति स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले, तभी उनकी प्रवर्जा होगी। महाप्रजापति गौतमी के साथ 500 महिलाओं ने प्रवर्जा ली, तब भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई थी। महाप्रजापति भी संघ के समस्त लोगों का ध्यान रखती थी। महाप्रजापति गौतमी का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। भगवान बुद्ध प्रजापति का बड़ा आदर करते थे। महाप्रजापति गौतमी ने 120 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस तरह मित्रों, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना कर भिक्खुनी बन चुकी थी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन का दबाना मत भूलें। मित्रों, आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेट्रियम के माध्यम से आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।